सो सही हो मतलब गायस के लोग वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल तो गाय जैसे कि आप जानते हो हमारा चैनल गेमिंग के ऊपर है लेकिन मैं कुछ आउटडेटेड वीडियोस भी डालता रहता हूँ तो गाइज आज मैं एक और ऐसी वीडियो लेकर आ चुका हूँ जिसमें हम एक गेम नहीं एक ऐप है जिसका नाम है अकी नटर आप लोग तो इसके बारे में जानते ही होंगे फिर भी कई होंगे जो नहीं जानते होंगे मैं उनको बता दूं कि एक ऐप है जो कि आपके फिक्शनल कैरेक्टर को ढूंढ देती है जैसे कि अगर आप किसी के बारे में भी सोचो अगर वो फेमस है मतलब किसी भी कारण इंस्टा यूट्यूब किसी भी कारण ट्विटर फेसबुक मतलब किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी और चीज़ के लिए फेमस हो तो उसको आप इस पर ढूंढ सकते हो या आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उससे रिलेटेड मतलब गैज मैंने ये ट्राई किया ऐप ये इतनी कमाल की है मतलब जो हम सोचें ये वो ही ढूंढ देती है तो मैं सोचा आज क्यों ना एक फ़नी वीडियो भी करें तो आज आज गाज गाइस आज हम हाँ आज हम ढूंढने वाले हैं उन तीन महान बंदों को जिनकी इन्वेंशन को इंडिया में सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है आपने सही सुना जिनकी इन्वेंशन को इंडिया में सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है क्योंकि उनके कारण उनके करियर डूब जाते हैं तो गाइज हम अब बिना किसी मतलब रुकावट के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं एक hey अब हमने जैसे कि अब आप देख सकते हो हमने अपना जो है मैच स्टार्ट कर लिया हमें हमारा पूछ रहा है इज योर कैरेक्टर फेमस अबाउट यूट्यूब नो वो यूट्यूब के कारण फेमस नहीं है उसने उसकी इन्वेंशन के कारण है तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि उसकी इन्वेंशन को हेट किया जाता है वो अपनी इन्वेंशन के कारण ही फेमस है डज योर कैरेक्टर नो योर नेम नो उसको मेरा नाम है वो तो मर भी चुका है ओके okay, नो no, वो बॉलीवुड में भी नहीं काम करता सलमान खान दो हैव अ वाइफ शायद से होगी आई डोंट नो मैंने भी इतना सर्च नहीं किया उसके बारे में लेकिन जो उसने इन्वेंट किया उसके बारे में बहुत सर्च करना पड़ता है वो इंडियन नो 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 वो इंडियन नहीं था इंडियन नहीं था ओके नो 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 ये तो बिल्कुल भी नहीं पॉपुलर फ्रॉम अ पॉपुलर मूवी नो no, उसने मूवी तो नहीं की लेकिन आई डोंट नो गाइस इज योर करेक्टर यस रियल पर्सन है तो अभी तो उसने कुछ इन्वेंट किया लिंक्ड विद स्पोर्ट्स नो 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 वो स्पोर्ट के साथ लिंक्ड नहीं है कैरेक्टर डेड यस 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 वो भी मर चुके हैं शायद शायद मेरे को सच में पता नहीं है इज अ साइंटिस्ट अब गाइस जो चीज़ें इन्वेंट करता है उसको साइंटिस्ट मैं प्रोबेबली के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे को भी पक्का नहीं पता कि उसको साइंटिस्ट ही कहेंगे कि हम लोग क्या कहेंगे फिर भी अभी यूरोपियन अब यार इसको मेरे को सच्चे आई डोंट नो आई डोंट नो पे मैं क्लिक करूँगा देखते हैं लिव इन आइसलैंड यार मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे रहता है एटोमिक बॉम्ब अब मतलब उसकी इन्वेचने के एटॉमिक बॉम्ब जैसी है आप लोग भी गैस सोचो यार उसकी एटोमिक कैसी है आप लोग भी सोच के ना मेरे को कमेंट में बताओ अगर आपको पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में ढूंढ रहा हूँ प्लीज कमेंट में बताना और फर्स्ट लिख देना और हाँ गैस जो भी अभी तक वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बच जाओ यार फिर वो मज़ा नहीं रहता ओके अब हम इस पर जाएंगे फनी हेयर कटा उसका हेयर कट है लेकिन फनी नहीं फिर भी अब हमने यस कर दिया नेम्ड ग्रेम नो मेरे को सच में इसके बारे में इतना तो नहीं पता मैसी मल, कु, उसके कुंड क्या कहते हैं ना उसको करली बाल है करली डांसर नो no, ये तो माइकल जैक्सन को ऐसे ढूंढने लगा ये किसको ढूंढ रहा है सही पहचाना तू भाई ये क्या चीज बनाई है भाई बंदे ने ये ढूंढ लिया स्कूल कैसे ढूंढ लिया गाइस आप लोगों को मैं बता दूं मैं इसके बारे में क्यों सर्च कर रहा था क्योंकि स्किन इन्वेंशन एक ऐसी इन्वेंशन जिसकी फुल फॉर्म है मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी यानी कि मैथ्स गाइस मैथ्स इंडिया में इतनी ज्यादा हिट की जाती है कि मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो दसवीं में सर मैथ के कारण ही फेल होते हैं अगर आप में से भी कोई देख रहे हो बताना जरूर कि आप लोग दसवीं में मैथ के वजह से फेल हुए कि थे कि नहीं हुए थे यार आधे से ज्यादा बंदे तो मैथ के कारण फेल होते ही होते हैं और मतलब भाई ये अकिनेटर क्या ऐप बनाई है बंदे ने मेरे को लगता है हमारी मन की बात सुन लेती है बाकी एल्बर्ट आइंस्टाइन को जितना सब लोग हेट करते हैं ना उतना ही मैं हेट करता हूँ अब मैथ्स इजी भी है लेकिन यार इसने बनाई मेरे को इतना गुस्सा आता है ना इसने बनाई क्यों शायद से इसने काउंटिंग बनाई थी लेकिन मैथ तो बनाई थी फिर भी ओके तब हम इस पर यस पे करेंगे भाई अकिनेटर तू ग्रेट है तू ग्रेट है, ग्रेट है। बिकाज जब हम तो गाइज ये वाली जो मतलब हमारा जो नेक्स्ट बंदे के बारे में फाइंड करने वाले बंदा कह लो बंदी कह लो वो जैसे हेट की जाती है उसके इन्वेंशन के लिए उसका इन्वेंशन उसका करियर है सिंगिंग मैंने आपको हिंट भी दे दिया अब आप में से कई बंदे समझ भी, भी गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ उसके बारे में इतनी रोस्ट वीडियो बनती हैं उसके गाने इतने बकवास होते हैं भाई मैंने खुद सुना उसके गाने को सुनकर तो गोरे ने भी उल्टी कर दिया अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जाओ वजाहत हसन के चैनल पे जाओ और देखो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आ तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं ओके okay, मतलब हमने प्ले पे कर दिया अब थोड़ा सा ये लोडिंग लेते हैं इज कैरेक्टर एन एक्टर नहीं वो एक्टर नहीं लगती वो तो कुछ और ही है अब हम क्या बोले यूट्यूब है फेमस बिकॉज ऑफ यूट्यूब हाँ यूट्यूब पर ही वो वीडियो डालती है फ्रॉम माइंड नहीं वो, वो गेमर नहीं है एक तरफ से सिंगर है no, नो बोला ना वो गेमर नहीं है उसको काजू कतली भी कहते हैं हाँ फीमेल है वो नो no, वो मैरिड नहीं है उससे शादी कौन करे नहीं वो गो, स्कूल भी जैसे स्कूल जाते बच्चों को टेंशन देती है लास्ट में मैं उसके फैन भी दिखाऊंगा हाँ गाय जी यूटर बहुत ही क्लोज है उसको हम काजू कतली भी कहते हैं हाँ ये इंडियन अब इसने ढूंढ लिया है ओके okay, फॉर्थ हाँ ये देखो बैड वॉइस अब गाय मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं फाइव काउंट करूँगा अगर आपको समझ आ गया तो नीचे कमेंट में जल्दी से जाकर बता डालो यार मेरे को ओके okay, तो बैड वॉइस अब मतलब उसकी वॉयस बहुत ही गंदी है शायद से कनेक्टर अब तो तुझे पहचान ही जाना चाहिए भाई वर्क वहाँ उसकी वॉइस वॉइस के बारे में जो मतलब उसका काजू कतली उसका नाम है गतली उसका नाम है ये देखो भाई इसकी शक्ल देख लो भाई देख के हंसी आती है देखो ढिंचा पूजा इसका नाम है ढिंचा पूजा इसका गाना सुनो जरा आप अभी मैं आपको गाना प्ले करके दिखाऊंगा इसका गाना शुरू और फिर मेरे को बताओ कि इसका गाना कैसा है दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर दिलों का शूटर आ, आ, दिलों का शूटर सुना ना गाना सुना ना कैसा बकवास गाती है भाई दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर ये कैसे मतलब यार ये गाने कैसे निकालती है और शक्ल तो देखो जैसे सुबह से उठ के ना आई और इसको पता लग गया स्नैपचैट पे ट्रिक टूटने वाली है कुछ भी मतलब टोपी टोपी डाली स्वैग वाली और कर दिया भाई इसकी इन्वेंशन इसके गाने हैं इतने बकवास गाने लोग मतलब इसको मारने पे तो तुले कैरी मनाटी ले लो ट्रिगर इंसान ले लो फुकरा इंसान ले लो कोई भी यूट्यूबर ले लो जो रोस्टर है उसके चैनल में अगर इसकी वीडियो ना हुई ना वी तो उसको रोस्टर मत करना मतलब अब मैंने जो वजाहत हसन वाली बात कही वो नाम की एक ऐप है उस पर वो किससे बात कर रहे थे तो उसको उन्होंने इनका गाना सुनाया तो वो गोरे ने तो भाई उल्टी कर दी जल, जल्दी से जाकर चेक करूँ और मेरे को जरूर बताना गैस तो हाँ अभी ये ढिंच पूजा हकी नेटर भी मतलब गैस पहचान का कहता है बस बस और क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है बस मैंने उसको ढूंढ लिया है घर अगली जो वीडियो है ना इस बीच में थोड़ी सी एड आ गई थी तो अब मैं बताता हूँ अगली वीडियो में हम एक ऐसे एक्टर को ढूंढने वाले हैं जो जो कि उसकी एक्टिंग के कारण इतना मतलब मतलब गाइस अब हम अग गाइस अब हम अपनी अगली वीडियो में एक ऐसे एक्टर को ढूंढने वाले हैं कि जो मतलब जो मतलब एक ऐसा मतलब एक, एक एक्टर है जिसकी वॉइस को मतलब लोग उसकी एक्टिंग को इतना हेट करते हैं उसको मतलब उसका शॉर्ट नेम भी मैं आपको बताऊंगा तो अब गाइस अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ते हैं पहले ये सुनते हैं गेस राइट वन मोर टाइम कैरेक्टर रिले कैरेक्टर ऑलरेडी प्लेड छह सौ चार बार इसको मतलब लोगों ने इसको सर्च किया का भाई खुद देखो इतना बकवास गाना इसका कभी किसी ने सुना नहीं होगा ठीक है भाई तो ओके अभी हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं अभी हम नेक्स्ट बंदे को ढूंढते हैं ओके अब चलो ये यही स्टार्ट हो गया तो कोई बात नहीं हमें कोई टेंशन नहीं है कैरेक्टर अ गर्ल नहीं वो गर्ल नहीं है वो एक लड़का है एक्चुअली यस वो एक्टर है आ, आ, मुस्लिम हाँ मुस्लिम है मुस्लिम है उसको के आर के द ग्रेट कहते हैं हेव हाँ केडर आई डोंट नो पे मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे को भी भाई इतना पता नहीं भाई अक्की टर, मैं तो पता नहीं क्या सोच रहा हूँ इसको ये आप क्या है हैज़ योर कैरेक्टर टेकन अ पार्ट इन बिग बॉस अगर भाई वो बिग बॉस करेगा तो दुनिया कलर्स का चैनल बंद करवा देगी अगर वो करेगा उसकी मैं आपको एक्टिंग दिखाऊंगा देखना कभी खुशी कभी गम ऐसी अच्छी फिल्म में से घटिया एक्टर को कौन लेता है ऐसी अच्छी फिल्मों में आ, भाई फेमस तो नहीं मैं प्रोबेबली बजाऊंगा लेकिन बॉलीवुड से है इज दाँ वो दा मूवी का मेन कैरेक्टर है सिक्स पैक हड्डी पिंजर है गाइस वो हड्डी पिंजर नेटफ्लिक्स वालों ने अपनी ऐप बंद करवानी है क्या देखते हैं क्या स्टिल वर्किंग प्रोबेबली में जाऊंगा मेरे को भी इतना नहीं पता अगली एंड एस टी हाँ वो बहुत ही मतलब अगली एंड एस टी कैरेक्टर में करेक्टर मूवी रिव्यूज़ वो मूवी रिव्यूज बनाते है, लेकिन उसने अभी खुद की अपनी कभी भी मूवी की रिव्यू की ही नहीं मतलब वो हाँ मूवी रिव्यू अभी तो बताया वो दूसरों की मूवी रिव्यू करता है लेकिन खुद की कभी करता ही नहीं है ये इसको हम कहते हैं के आर के मतलब कमाल आर खान अब गाय इसकी एक्टिंग इतनी बकवास है ना मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा आगे उसमें वो गोली पड़ती है और ये गोली खाने की इतनी अच्छी एक्टिंग करता है कि भाई उस तो मैं कर लूँ इतनी बकवास मतलब क्या करता है यार एक्टिंग मतलब बॉलीवुड के नाम पे ये धब्बा इसको हम कहते हैं के आर तो के द ग्रेट किसने लगा दी। लेकिन इसकी एक्टिंग देखो ऐसा लग रहा है जैसे गुंडा बॉडी चॉडी है नहीं इसकी तो बॉडी चॉडी है नहीं पर ऐसा ढूंढता है गाइस इसके अब आप क्लिप देखो देखा ना क्लिप में क्या हुआ इस गोली तो ऐसे खा रहा है जैसे इसको असली में लगी हो पर मेरे को पता क्या लगता है गोली कैसे खा रहा है जैसे ना इसके वहां पे बंप्स पे इसके किसी ने कुछ काट कुछ चुंटी कर दियो और इसके दर्द उ तो कह रहे हो ऐसी आवाज निकाल रहा है गाइस गाइस तो बस यही थी आज की वीडियो तो गाइस आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे अगर मेरे चैनल पे नई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस मैंने पूरी वीडियो में नहीं बोला अब बोल रहा हूँ प्लीज़ यार गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरी अ, मेरे हर एक वीडियो को जरूर देखा करो बहुत इंटरेस्टिंग होती है मैं कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ बाला हालांकि मैं नया हूँ लेकिन मैं कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ गाइज तो मतलब अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करना है और बताना कि अगली वीडियो में हम क्या करें ठीक है अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ऐसी ही फनी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए यार मतलब आप करते क्या हो यार लाइक करो सब्सक्राइब करो वी आर वेरी क्लोज वे वे टू तो सिक्सटी सब्सक्राइबर और कैसे इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरह लाइक्स कर इस तेरह लाइक्स तो आप करवा ही दोगे तो गर्ज बस आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो गर्ज मैंने पूरी वीडियो में नहीं बोला अब बोल रहा हूँ प्लीज़ यार गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरी आ, मेरे हर एक वीडियो को जरूर देखा करो बहुत इंटरेस्टिंग होती है मैं कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ हा, भाला हालांकि मैं नया हूँ लेकिन मैं कुछ इम्प्रूव कर रहा हूँ गाइस तो मतलब अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे कमेंट करना और बताना कि अगली वीडियो में हम क्या करें ठीक है अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ऐसी ही फनी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए यार मतलब आप करते क्या हो यार लाइक करो सब्सक्राइब करो वी आर वेरी क्लोज टू सिक्सटी सब्सक्राइबर और गैस इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरह लाइक्स का गए तेरह लाइक्स तो आप करवा ही दोगे तो गैस बस इतना ही है इस आज की वीडियो में और भाई एक बार और अक्नेटर यू आर ग्रेट अब मैं आपको एक अक्नेटर यू आर ग्रेट जनाब बस मैं यही कहना चाहता हूँ यही कहना चाहता हूँ और इसी के साथ हम लेते हैं अलविदा और एंड एंड टेक टेक लेट्स यू इन नेक्स्ट वीडियो टिल